हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल टेक मी फास्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो और किस तरह से आप अपने मोबाइल को थोड़ा फास्ट कर। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है या बैटरी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। फ्रेंड्स, मेन रीज़न जो होता है बैटरी बैकअप का कम होना या फिर बैटरी का ख़राब हो जाना, उसका रीज़न सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप अपने मोबाइल में जो है वो बूस्टर्स इंस्टॉल कर लेते हो। जैसे आप इस तरह के काफ़ी बूस्टर्स इंस्टॉल कर लेते हो, क्रिल मास्टर हो गया, या फिर वो भी काफ़ी एप्लीकेशन यहाँ पे आते हैं, जैसे बैटरी डॉक्टर ETC। इस तरह के आप जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी वजह से आपकी बैटरी ख़राब भी हो जाती है और आप वो स्टार्टिंग में जो है वो बैटरी बैकअप कम हो जाता है और एक एंड ऐसा आता है कि आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन हमेशा बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, भले से आप इनको बंद कर दो तब भी ये बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप अपनी बैटरी को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो और आप अपनी बैटरी का बैकअप बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, टिप्स ये है कि आप अपनी बैटरी को, अपने मोबाइल को 20% से कम ना होने दें और 100% भी कभी भी चार्ज ना करें। हमेशा 94-95% तक चार्ज करें, मतलब 90 और 95% के अंडर तक ही आप इसको चार्ज करें, 95% के ऊपर कभी चार्ज ना करें। लेकिन डेली ऐसा ना करें आप इसको, और फ्रेंड्स महीने में एक बार आप अपने मोबाइल को 0% तक बैटरी होने दें बिल्कुल, और फिर चार्जिंग पर लगाएं और फिर एक बार उसको 100% तक चार्ज करें। याद रखिए, ये सिर्फ आपको महीने में एक बार करना है, आपको ऐसा डेली नहीं करना है। अगर आप ऐसा डेली करोगे तो इससे आपकी बैटरी को नुकसान होगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप्स है कि आप जहाँ भी अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हो वो ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। ओके, तो ये सिंपल टिप, ये बहुत अच्छा टिप्स है। और फिर आप, ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन उनका हम डेली यूज नहीं करते, कभी कभी महीनों में यूज करते हैं या फिर हम महीने में 2-3 बार ही यूज करते हैं। कोई हम एप्लीकेशंस जैसे गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, हमें अब हम खुद तो उनको प्ले नहीं करते लेकिन अपने बच्चों के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं और उनको जब कभी कभी हम उनको खिलवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह के एप्लीकेशन को जिनका हम कभी कभी यूज करते हैं उनको हम अपने एप्लीकेशन मैनेजर में जाके उसको आप फोर्स स्टॉप कर दो। तो हम यहाँ से जाएंगे एप्लीकेशन मैनेजर में, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन थे और एप्लीकेशन के अंदर जाके हमें मिलेगा एप्लीकेशन मैनेजर। हम कोई भी चीज में, यहाँ पे कोई एक बड़ा सा एप्लीकेशन ले लेता हूँ जिनका मैं कम यूज करता हूँ, जैसे मैं OLX ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको फोर्स स्टॉप कर देता हूँ। मैंने इसको फोर्स स्टॉप कर दिया। अब क्या है कि अब जब तक आप इसे ओपन नहीं करोगे तब तक ये बैटरी नहीं लेगा। ओके, मतलब ये बैटरी इसके ऊपर खर्च नहीं होगी। अगर आप इस, मतलब जितने भी हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं वो सब हमारी बैटरी को चूसते रहते हैं, तब वो बैटरी उसकी लेते रहते हैं, तो इससे हमारी बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। तो आप इस तरह के एप्लीकेशन को जो जिसका आप कभी कभी यूज करते हो आप उसको फोर्स स्टॉप कर दिया करो और फिर जब आपको यूज करना हो तो आप इसको ओपन कर लिया करो। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी को बचा। तो फ्रेंड्स, मेरे इन कुछ टिप्सों का आप फॉलो करो, इन टिप्सों को आप फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फ्यूचर में कभी बैटरी की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका बैटरी बैकअप हमेशा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए।